नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल DNR इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, जो भारत सरकार ने एक नया योजना ला रहा है जिसके तहत युवाओं को 3 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, देश सेवा का मौका मिलेगा। तो इसी विषय में मैं बात करने वाला हूँ और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये जो 3 साल के लिए जो सेना में भर्ती किया जा रहा है ये कितना सही है, कितना गलत है, इसका क्या फायदा और नुकसान होने वाला है। तो मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तो जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो और उनके गार्जियन हैं जो 3 साल के लिए सिर्फ सेना में जाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं देश सेवा के लिए, वो खास करके इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। मैं पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका खुद का डिसीजन होगा कि कितना सही और कितना गलत है। मैं सिर्फ अपने हिसाब से बताऊंगा, बाकी आपका इस पर सोच क्या है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बात करते हैं, जो भारत सरकार ने एक नया योजना लागू किया है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के अंदर 3 साल के लिए युवाओं को देश सेवा के लिए भारतीय सेना के अंदर भर्ती करने जा रहा है और ये जो सैनिक जो भर्ती होंगे 3 साल के लिए, इनको अग्निवीर कहा जाएगा, इनको अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा और 3 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। और इसको टूर ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं, पहले इसको टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं लेकिन अभी जो ये बना है अग्निपथ योजना के तहत। और इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, इसका जो भर्ती प्रक्रिया है सेम वही रहेगा जो परमानेंट जो 18 साल से 21 साल के एज में जो होता है, वही सारा कुछ इसमें भर्ती प्रक्रिया होगा, उसी की तरह भर्ती भी किया जाएगा, मगर ये 3 साल के लिए सिर्फ किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जो 3 साल का जो किया जाएगा ये हमारे युवाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ ही किया जाएगा, क्योंकि जो युवा अपने अमूल्य जीवन को 3 साल का जो उनका मेन कैरियर होता है, कैरियर बनाने का, उसी में इनको 3 साल के लिए सेना में रख दिया जाएगा और उसके बाद जब इनका उम्र खत्म हो जाएगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, फिर सेना से इनको निकाल दिया जाएगा। अब बात आता है कि सेना से निकालने के बाद इनको एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं उनको से पूछना चाहता हूं, भारत सरकार से और भारत सरकार के जो डिफेंस मिनिस्टर से, कि हमारे देश के कितने भूतपूर्व सैनिक है उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो एक सिविल में आकर के एक ATM के बाहर एक 10,000 के गार्ड के नौकरी रह जाते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर सिर्फ हथियार चलाने के अलावा उनको आप क्या सिखलाई देते हैं, क्या वो जानते हैं? एक हथियार चलाना जानते हैं, इसके अलावा कुछ टेक्निकल उनके पास नहीं होता है। सिविल में इतने बड़े बड़े BTech, MTech, डिप्लोमा कर करके घूमते फिर रहे हैं, जब उनको नहीं कुछ मिल रहा है तो एक वेपन चलाने वालों को क्या मिलेगा? तो जो भी युवा 3 साल के लिए जो सपने देख रहे हैं कि मैं सेना में जाकर के देश की सेवा करूंगा, अच्छा, देश की सेवा करना कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहन के ही देश की सेवा करें। देश सेवा करने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। और इसका जो लाने का इसका मेन मकसद है सरकार का, मेरे हिसाब से सरकार का ये जो मकसद है वो सिर्फ है और सिर्फ है रेवेन्यू बचाने के लिए, क्योंकि 15 साल के बाद जो सेना को रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन देना पड़ता है। तो यही पेंशन को बचाने के लिए एक सेना को कमजोर किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो 3 साल के अंदर जो सेना में भर्ती होंगे वो जम्मू कश्मीर पर जीरो लाइन पर जाकर के उग्रवादियों से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। क्या वो जो सियाई इलाका है उसमें जाकर के काउंटर इंसर्जेंसी में वो लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। 5 साल, कम से कम 5 साल बन जाता है एक प्रपक्व, एक जो सोल्जर कहा जाता है वो सोल्जर बनने के लिए 5 साल चाहिए, जो 3 साल में कुछ नहीं, 1 साल तो उनका ट्रेनिंग में चला जाएगा, बाकी जो 2 साल बचेगा, और 2 साल ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के अफसरों के चमचागिरी में निकल जाएगा सिर्फ, और उनके जूते पॉलिश, उनके घर पे पॉलिश करते हुए उनके कुत्ते खेल
घुमाने में ही निकल जाएगा। तो सरकार का और अफसरों का मेन फोकस इनका है, इनको शोषण करना, इनके साथ खिलवाड़ करना। अगर इनको बचाना है, जो 20% जो हमारे सैनिक है, जो अफसरों के घरों पे जो काम कर रहे हैं एक नौकरों वाला, उनको क्यों नहीं निकाल रहा है? सरकार का नजर उस पर क्यों नहीं पड़ रहा है? और रिवेन्यू बचाने का है तो जितने MLA MP हैं, विधायक बनते हैं, उनका पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहा है? बंद करिए उनका पेंशन, उनको तो पेंशन और पूरा फैसिलिटी चाहिए। देश की युवा चाहे जहां जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वहां से भी तो रेवेन्यू बच सकता है, वहां से क्यों नहीं पैसे बचा सकते हैं? उनकी पेंशन बंद करिए, क्या जरूरत है पेंशन बंद करने का? अच्छा, इसमें एक और पॉलिसी है कि 3 साल के बाद उनकी सर्विस को बढ़ा दिया जाएगा। ये निर्भर करेगा सेना के ऊपर, यानी कि जिस जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं वहां के अफसरों के ऊपर निर्भर करेगा कि 3 साल के बाद आपका सर्विस अगर सही है तो आपको नौकरी के लिए आगे मौका मिलेगा, नहीं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। तो 3 साल के बाद नौकरी का मौका उन्हीं को मिलेगा जो अफसरों के चमचागिरी करेंगे, अफसरों के जो चापलूसी करेंगे, अफसरों के घरों में जो उनके नौकरों वाला काम करेगा, उन्हीं को आगे का मौका मिलेगा। उन्हीं को लिख करके भेजेंगे कि ये जवान, ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है, इनको आगे मौका दिया जाए। क्यों नहीं है जो अफसरों, जो सेना के अंदर जो पार्टियां हो रही है, जो फैमिली वेलफेयर सेंटर हो रहा है जिसमें जवान के फैमिलियों को, बच्चों को नचाया जाता है, उसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? ये जो छोटे छोटे किटी पार्टी जो होता है उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? उसको बंद करिए, वहां से सेना को निकालिए अगर आपको सैनिक कम पड़ रहे हैं। सरकार, डिफेंस मिनिस्टर को इस पर भी गौर करना चाहिए कि जो हमारे हर साल हर महीने लगभग एक सेंटर की हम बात करते हैं, सिर्फ एक सेंटर में हर महीने 1000 से लेकर के 1500 तक रिटायर हो रहे हैं प्रीमैच्योर। वो सेना में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन वो सेना के अफसरों के शोषण के कारण वो घर चले जा रहे हैं। सरकार का नजर इस पे क्यों नहीं जा रहा है कि एक हमारा ट्रेंड सोल्जर 15 साल से 17 साल 20 साल सर्विस करके प्रीमैच्योर हर महीने, एक महीना का मैं बात कर रहा हूं, एक सेंटर का वो भी बात कर रहा हूं, एक सेंटर से एक महीने में 1000 से लेकर 2000 तक हमारे सैनिक लगभग रिटायर हो रहे हैं। उस पर सरकार का फोकस क्यों नहीं जा रहा है कि सेना में जो अफसर जो सैनिकों के साथ शोषण कर रहे हैं उसको मैं सुधारूं, उनको जो सेवादार पार्टी है उसको मैं बंद करूं? उसको नहीं बंद करेंगे तो ये सेना के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक नया पॉलिसी लेकर के आ गए कि 18 साल से 21 साल के बीच में इनको भर्ती कर लेंगे 3 साल के लिए। अगर जो जवान 21 साल में भर्ती होगा और 3 साल उसकी और ड्यूटी ले लीजिए, लगभग 24-25 साल उसकी उम्र हो जाएगा। फिर जब वो रिटायर होकर के आएगा तो उसको कहीं के कुछ नहीं मिलेगा, एक संविदा के आधार पे हो जाएगा। और बात रहता है कि उनको एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, तो हमारे जितने भी रिटायर एक सर्विसमैन भाई हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। वो एक किसी ATM के बाहर या किसी बैंक के बाहर एक गार्ड की नौकरी कर रहे हैं बस 10,000-15,000 में, यंग होते हुए भी। अब क्या है, आर्मी में उनकी सिखलाई होती है, सिर्फ और सिर्फ वेपन चलाने के अलावा उनके पास टेक्निकल कुछ नहीं नॉलेज होता है, जिसके कारण सिविल में वो आकर के कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन साथियों से गुजारिश करूंगा कि जो 3 साल के लिए जाने का सपना देख रहे हैं देश सेवा के लिए, वो गौर करके थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि अपने अगल बगल जो भी, चाहे वो सर्विस में हो या एक सर्विसमैन में हो, उनसे थोड़ा सा राय मशवरा लें कि क्या ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत नाइंसाफी होगा कि 3 साल के लिए उनको अगर भर्ती कर लिया, 3 साल, अच्छा ये बताइए, 1 साल तो इनको ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 2 साल इनको कोर्स वगैरह कुछ छोटा मोटा करेंगे, ये क्या सीख पाएंगे 3 साल? 3 साल में क्या ये कर पाएंगे? इससे सेना का और भी, जो सेना है उसकी कमजोर होगा, सेना और कमजोर बनेगा। और मैं जो सर्विस में है, जो सर्विस पर्सन है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपका साथ ये भी बड़ा नाइंसाफी होगा कि आपको एक ट्रेंड सोल्जर न मिल करके एक नया सोल्जर मिलेगा और वो 3 साल तक आपके बातों को मानेगा नहीं। ये बहुत कुछ होता है सेना में जो आप जान रहे होंगे, मैं विशेष इसके बारे में नहीं खोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉलिसी जो भारत सरकार जो लेके आ रही है, अग्नि पथ योजना, जिसके तहत 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने का देश सेवा का मौका दे रहा है, वो देश सेवा करना कोई जरूरी नहीं है वर्दी पहन के ही देश सेवा किया जाए। देश सेवा करने का बहुत तरीके हैं, बहुत लोग हैं जो देश सेवा कर रहे हैं।
एक जो बाहर में जो डॉक्टर है वो भी देश सेवा में लगे हुए हैं, एक जो पुलिस वाला है वो भी देश सेवा में लगा हुआ है, पुलिस वाले भी देश सेवा कर रहे हैं, और भी जो सिविल सर्विस हैं सब देश सेवा में लगे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ, जो देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि भारत सरकार तो रोजगार दे नहीं सकता। और अब जाकर के ये सेना, एक जो हमारे विश्व में सेना जो मजबूत है उसकी भी कमजोरी कमजोर करने के ऊपर पड़ गए, उसको भी कमजोर अब करेंगे। देश सेवा करने के लिए जो लोग बोल रहे हैं देश सेवा करने का मौका मिलेगा, तो देश सेवा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा ही ठेका ले रखा है, वही ठेका ले रखा है कि सिर्फ देश सेवा करेगा तो एक किसान का बेटा करेगा, एक मजदूर का बेटा करेगा, क्यों नहीं अफसरों का बेटा करेगा, क्यों नहीं विधायक का बेटा करेगा, क्यों नहीं विधायक और एमपी एमएलए जो है उनके बेटे देश सेवा करेगा, वो नहीं करेंगे देश सेवा के लिए। देश सेवा करने का ठेकरा सिर्फ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा ले रखा है। जितने भी शोषण करने का काम है वो नीचे तबके पे लोग पे ही किया जाएगा, किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो। ये अफसरों के बेटे क्यों नहीं आर्मी में भर्ती होते, वो आर रैंक में, वो तो सिर्फ अफसर में भर्ती होंगे, क्योंकि अफसर में भर्ती करने वाला ही अफसर बैठा है। थोड़ा सिविल सर्विस से फाइट करके जाएं तब पता चलेगा, तो एनडीए करके जाते हैं, एनडीए में नीचे से लेकर ऊपर तक अफसर ही बैठा हुआ है, एनडीए आर्मी का ही अफसर बैठा हुआ है। तो जितने भी अफसरों के बेटे हैं वो क्या सारे क्वालिफाई हैं अफसरों के लिए ही? अरे उनका भी क्वालिफिकेशन 10+2 ही है, और एक जवान और किसान का बेटा भी क्वालिफिकेशन 10+2 है। सिर्फ और सिर्फ अंतर यह है कि जो अफसरों के बेटे को अफसर में भर्ती करने के लिए अफसर ही बैठा है आर्मी का, अगर इतने वो क्वालिफाई हैं तो यूपीएससी क्वालिफाई करके जाए तब पता चलेगा कि क्या होता है, तारेगन दिखाई दे देगा। सिर्फ एनडीए किए क्वालिफाई, इंटरव्यू के लिए वहां अफसर बैठा ही है, काम चल जाएगा। और जितने भी ये जो कानून है शोषित कानून, वो सिर्फ मजदूर किसान तबके के जो बच्चे हैं उनके उन्हीं के लिए लागू होता है। मैं तो युवाओं के साथ यही गुजारिश करूंगा कि इस जो टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के लिए जो सेना में भर्ती का जो गवर्नमेंट पॉलिसी रहा, इस पर से एक बार विचार जरूर बनाएं, उसके बाद ही आपका विचार होगा कि क्या करना ना करना है। अच्छा, इसमें सरकार जो वो तर्क दे रही है कि 3 साल जो 2 साल जो कोरोना रहा, कोरोना में भर्तियां नहीं हुई, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कोरोना में जो चुनावे हो गए, जो लाखों लाखों की संख्या में जो रैलियां हुई, उससे कोरोना तो फैला नहीं। एक जो सेना की भर्ती अगर हो जाता, उसमें रिटर्न एग्जाम हो जाते तो उसमें कोरोना फैल जाता। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे परीक्षाएं हुई है कोरोना के बीच में, एक सिर्फ सेना के लिए कोरोना नहीं है, बहुत सारे ऐसे हुए हैं रैली या चुनाव के लिए और भर्ती हुआ है जिसमें कोरोना का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक आर्मी की भर्ती सेना की भर्ती के लिए कोरोना का बहाना ढूंढा जा रहा है। और ऐसे ऐसे जो योजनाएं भारत सरकार चाहे गवर्नमेंट लेकर जब आती है, इसकी जवाबदार कुछ न कुछ हद तक हमारे देश की युवा भी हैं, हमारे देश करके देश के अभ्यर्थी भी हैं, हमारी देश की जनता भी हैं, क्योंकि हमारे देश की युवाओं में सोशल मीडिया में बहुत बड़ा ताकत है। इसका उदाहरण है एनटीपीसी का एग्जाम देख लीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम पहले किस तरह से रिजल्ट दिया गया था, युवाओं ने जब इस पे विरोध जताया तब जाकर के इसका रिवाइज रिजल्ट 3 लाख द्वारा से फिर दिया गया, तो ये युवाओं में बहुत बड़ा ताकत है। मैं उन युवाओं से गुजारिश करूंगा कम से कम आप हमारे सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को, इस वीडियो जो बना रहा हूँ, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फैलाइए इससे, ताकि सरकार का जो है ध्यान इसके ऊपर आए कि हम क्या जो पॉलिसी ला रहे हैं सही है या गलत है। सरकार को जो बताने वाले बैठे हुए हैं वो सब और सब अफसर ही हैं, तो अफसर की ये सब शोषण होता है, शोषण के लिए सब पॉलिसी लेकर के आते हैं युवाओं के साथ धोखा करने के लिए। तो सारे युवाओं से जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कम से कम वीडियो को इतना फैलाएं, शेयर कीजिए। और हमारा जो इस पे एक सर्विसमैन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर थोड़ा विचार बना रहा है कि अगर ये पॉलिसी लागू होता है तो इसके ऊपर हम लोग कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे कि इस पॉलिसी के विरुद्ध में। तो जितने भी युवा हैं, जितने भी मेरे साथी जो वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि कम से कम इसको
इतना फैला दें, बहुत ज्यादा फैलाएं, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए साथ में। कुछ लोग हैं जो आपको गुमराह करेगा, आपको गुमराह करेंगे, खास करके जो सर्विस पर्सन है, जो सर्विस में है, वो खास करके अफसर लोग आपको गुमराह करेंगे कि ये जो वीडियो है वो गलत है। लेकिन आप उनके बहकावे में मत आएं। जितनी भी पॉलिसी आप खुद अपने आप में सोचें, क्या ये सही है या गलत है, क्या टूर ऑफ ड्यूटी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, अग्नि पथ योजना, ये सही है या गलत है। जो भी एक सर्विसमैन हो या सर्विस पर्सन हो, वो ये सोचे कि 3 साल तक क्या उनको सिखलाई मिलता है, सेना के अंदर रहने के बाद 3 साल तक वो कितना सीख पाते हैं, तो क्या उनके लिए सही होगा। और जो युवा 3 साल के लिए सेना में जाना चाहते हैं, वो अपने भविष्य के बारे में भी सोच लें कि 3 साल के बाद उनका भविष्य क्या रहेगा। ना तो आपको पेंशन मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जितना दिन ड्यूटी किए पैसा मिला, उसके बाद जो आप घर जाइए, यहाँ आने के बाद आप अपने अगल बगल जो आपके एक सर्विसमैन है, रिटायर, सेना से रिटायर हैं, उनसे भी थोड़ा सा देख लें कि उनको क्या मिल रहा है। एक तो बिहार सरकार ने एक सर्विसमैन के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ है, 0/0 है। कुछ स्टेटों में एक सर्विसमैन के लिए 10% है भी। तो कम से कम जो युवा का ये सपना है, देश सेवा करने का बहुत तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है आप वर्दी पहन के ही देश सेवा करें। बेरोजगारी है, ये चीज को भी मैं मानता हूं, बेरोजगारी है, लेकिन आपका जो शुरुआत का जो समय होता है 18 साल से लेकर के 21 साल, ये जो उम्र होती है आपकी, ये उम्र बहुत ही अनमोल होता है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 3 साल सेना में जाने के बाद जब आपकी उम्र खत्म हो जाएगा, आपके पास जब समय नहीं बचेगा, तो आपको एक सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह पाता है। तो जाने से पहले आप एक बार जरूर इस चीज के ऊपर गौर करें कि 3 साल बाद आप क्या करने वाले हैं। सेना में जाने के बाद आपको कुछ नहीं सिखलाई मिलता है, वहां सिर्फ हथियार चलाने के अलावा कुछ नहीं सिखलाई मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अफसर अपने यहाँ नौकर बना के रखेंगे, उसके बाद आपको हटा देंगे और उन्हीं को आगे के लिए रिकमेंड किया जाएगा, अच्छा सर्विस उनको ही बताया जाएगा। जो अफसरों के चमचागिरी करेंगे, अफसरों को जो चपलूसी करेंगे, उनके घरों में जो नौकर का काम करेंगे अच्छे से, वही आगे के लिए अच्छे कहलाएंगे। तो इस चीज के ऊपर खास ध्यान देंगे। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, एक मैं कर्नल साहब का वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि ये बहुत गलत है, तो मैं उन कर्नल साहब से भी थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि आप कितने के पास ये लेटर लिखे हैं कि ये गलत है। आप तो पावर में हैं, थोड़ा लेटर तो लिख सकते हैं, लेटर लिखिए डिफेंस मिनिस्टर को, लेटर लिखिए आप अपने जनरल के पास, नहीं लिखेंगे तो ध्यान दें। जो भी युवा है अपने सोच के अनुसार अपने हिसाब से काम करें। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यह है, जो अग्नि पथ योजना जिसमें भर्ती होना चाहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के लिए 3 साल के लिए आर्मी में, उनको सच्चाई से रूबरू कराना कि क्या होता है और क्या होगा आपके साथ। बाकी जाना ना जाना आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने से लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम इसको इतना फैलाएं ताकि सरकार का इस पे ध्यान आकर्षण हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।